अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिनते शमीम। आज मैं आप लोगों के साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ही चटपटी होती है और सभी को पसंद आती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोयला जलने रख देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 kg बीफ का फैट वाला कीमा लिया है। आप चाहे तो चिकन या मटन भी ले सकते हैं, लेकिन कीमा कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए सभी कबाबों के लिए। इसके साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 teaspoon गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, 1 teaspoon पपाया पेस्ट। पपाया पेस्ट हमारे कबाब को टेंडर करने में मदद देगा। सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट, 1/2 cup फ्राइड अनियन, 1 lemon का जूस इस्तेमाल करेंगे, 2 teaspoon चाट मसाला, 2 tablespoon योगर्ट जिसमें पानी ना हो, ये हमारे कबाब को मॉइस्चराइज करेगा, 1 tablespoon चिली पाउडर, 1 tablespoon चिली फ्लेक्स, 1 tablespoon क्यूमिन पाउडर, 1 teaspoon ऑल स्पाइसेस, 1/2 teaspoon जिंजर पाउडर, 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, 2 tablespoon रोस्टेड चिकपी पाउडर, 3 fine chopped ग्रीन चिलीज, रोस्टेड क्रश कोरिएंडर, फाइन चॉप कोरिएंडर लीफ। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चॉपर में डाल देंगे। कबाब में हमने पपीते का पेस्ट इस्तेमाल किया है, वो हमारे कबाब को टेंडर करने में मदद देगा। दही हमारे कबाब को मॉइस्चराइज करेगा। कॉर्नफ्लोर और चने का पाउडर हमारे कबाब को बाइंडिंग में मदद देगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो कबाब बनाते हैं तो उनके कबाब टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। अगर आप कबाब में पानी का इस्तेमाल करें, जैसे अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी हो और आप वो इस्तेमाल करें, या आप पानी वाली दही इस्तेमाल करें, तो इस तरह आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आप कोई भी कबाब बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कबाब में पानी का इस्तेमाल नहीं हो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पैन को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम कोयले का धुआं देने के लिए इस तरह से गोला बना लेंगे। कोयले पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और 30 से 40 सेकेंड के लिए इसे कवर कर देंगे। अब हम कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। कबाब को शेप देने के लिए आप कोई भी स्टिक ले लें या स्ट्रॉ ले लें और इस तरह से आप शेप दे दें। तकरीबन 15 मिनट मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं पैन में ऑयल ऐड करूंगी और कबाब को फ्राई करूंगी। पैन को प्री हीट करना ज़रूरी है, ताकि कबाब के पानी छोड़ने से पहले ही मीट कुक होना शुरू हो जाए। इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब मैं साइड को चेंज कर दूंगी और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करूंगी। ये देखिए, ये फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। टेस्टी स्पाइसी गोला कबाब तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।